नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। लखनऊ से प्रभात का शव की रिपोर्ट। त्रिभुवती खंड थाना क्षेत्र के पिकअप भवन पर ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा 2016 की प्रतीक्षा सूची संबंध में अभ्यर्थी भारी संख्या में धरने पर बैठे हैं। अपनी मांगों को लेकर पूछने पर पता चला कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी या हमारा रिजल्ट घोषित नहीं होता है तब तक हम धरने बैठे रहेंगे। अगर हमारी मांगे ना पूरी हुई तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। प्रतीक्षा सूची जारी करो, पद भी खाली है, हम भी काबिल है। पद भी खाली है, हम भी काबिल है। पद भी खाली है, हम भी काबिल है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अभिषेक पटेल। किस चीज को लेकर ये धरने बैठे हैं आप? ग्राम विकास अधिकारी 2016 की वेटिंग लिस्ट की मांग के लिए। सर, इसमें करीब 300-400 पद खाली रह गए हैं जिन पर कोर्ट के आदेशानुसार और विभाग के नियमानुसार वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है, लेकिन आयोग अपनी मनमानी कर रहा है। करीब 1.5 साल से हम लोगों को टहला रहा है। पहले हमसे कहता है आयोग में नियम नहीं है, जब हम लोग दिखाते हैं कि नियम है तो कहता है रिव्यू लगा है। रिव्यू भी जब हट जाता है तो कह रहे हैं ऑर्डर ये तुम्हारे भर्ती के लिए नहीं है, जबकि ऑर्डर हमारे भर्ती पर हुआ है और 2 महीना हो गए ऑर्डर हुए। अभी भी आयोग कह रहा है कि हमें सचिव साहब कह रहे हैं कि हमें इस बारे में संज्ञान नहीं है। अच्छा, अभी आप किसी से मुलाकात की है? जी, हमारी सचिव साहब से बात हुई, वो कह रहे हैं अध्यक्ष जी से आपकी 2-2.5 बजे बात कराएंगे। अच्छा। लेकिन हमको वो धरना खत्म करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, पुलिस कोर्ट खुला के डरा रहे हैं। अगर आपकी मांग नहीं पूरी होगी तो? सर, हम लोग यहीं पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरना है हमारा। 4 दिन 5 दिन 15 दिन अगर वो पुलिस बुलाना चाहते हैं पुलिस बुला लें, लाठी चलवाना चाहते हैं लाठी चलवा लें। अगर ये आज तक इन्होंने पिछले 4 साल में किसी को भी नौकरी नहीं दी है, इस आयोग ने कोई भी नई भर्ती निकाल कर पूरी नहीं की है, तो किस आधार पे हम लोग यहाँ से जाएं? किस आधार पे हम किसी नई भर्ती की तैयारी करें जब पुरानी भर्तियाँ ही पूरी नहीं हो पा रही? हर भर्ती में 500-600 पद खाली जा रहे हैं। ये 500-600 पद का मतलब है 15-20% वैकेंसी खाली रह गई है।